नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर लिया जाए। 11 तारीख को ही 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने ताशकंद में अंतिम सांस ली थी। आज उनकी पुण्यतिथि है और एक ऐसा भारत माता का सपूत जिसने किसानों के दर्द को समझा और जिसने जवानों के दर्द को समझा और बड़ी दृष्टि आगे तक देखने का मादा, हम सब उसको नमन करते हैं और अनुग्रहित हैं। और हमारा तरफ से यह है कि शास्त्री जी जहाँ पे भी हैं, जिस भी जगह हैं, वो हम लोगों के दिल में सदैव रहेंगे, एक हिंदुस्तानी के दिल में सदैव रहेंगे। अब जरा बात कर लें, एक मोहन भागवत जी ने कल एक इंटरव्यू किया। उन्होंने इंटरव्यू अपना जो उन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन RSS का, जो पांच जन हिंदी में ऑर्गेनाइजर अंग्रेजी में, जो दो उनके मुखपत्र हैं, उसके लिए उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू जनरली भागवत जी जैसा इंटरव्यू देते हैं और जैसी बात करते हैं उसमें वो थोड़ा अभी तक उसको रैप अप करके रखते थे, उसमें मुलम्मा चढ़ा के रखते थे, अंदर असली जो जिसको कहते हैं ना, जो असली चीज है वो बाहर नहीं आती थी। लेकिन इस इंटरव्यू में आवरण हट गया है और जो RSS की हार्डकोर वैल्यू है और जो वो करना चाहता है और जो उसके मन में है वो इसमें साफ झलक रहा है। उस इंटरव्यू के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा RSS के बारे में समझ लीजिए। मैं बहुत मोटे तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि RSS को आज तक तो कोई समझ नहीं पाया है। एक RSS एक कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे आप कहते हैं ना कोई कंपनी होता है, कोई सोसाइटी होता है, कोई ट्रस्ट, इसने कोई पार्टनरशिप फॉर्म होता है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका, ये इसने किसी अपने को किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बना ही नहीं है। हम तो विचार हैं, तो आप सोच लीजिए। दूसरा, इसकी कोई फॉर्मल मेंबरशिप भी नहीं है। ये नहीं है कि एक आप फॉर्म दीजिए और मैं उसमें भर दूं और आप इसके मेंबर बन गए, ऐसा भी नहीं है। और इसीलिए जो इसके विरोधी होते हैं और खास करके जो समाजवादी हैं वो इसको गिरोह बोलते हैं। उसका कारण यह है कि जैसे गिरोह में कोई फॉर्मल, आप किसी गिरोह को ज्वाइन करिए तो ये थोड़ी होता है कि एप्लीकेशन दीजिए, उसमें आप भरिए, कुछ नहीं होता है। आप जाना शुरू कर दीजिए, आप गिरोह के सदस्य हो जाते हैं। और किसी भी गिरोह का कोई ना वो कोई कंपनी बनता है, ना वो कोई पार्टनरशिप फॉर्म होती है, गिरोह में मुखिया है, मुखिया के हिसाब से सब चल रहा है मामला। तो एक तो ये है। दूसरा, जैसा अभी कहा जाता है, अच्छा कोई फॉर्मल मेंबरशिप है नहीं तो इसलिए ये बताना इसके कितने मेंबर हैं मुश्किल है। लेकिन अगर आप गूगल करिए और जनरली रिपोर्ट पढ़िए या इन लोगों से बात करिए तो ऐसा कहते हैं कि अभी उनकी 60,000 शाखाएं हैं। शाखा उनकी वो यूनिट है जिसमें जो अगर कोई जाता है तो वही वो उनकी बेसिक यूनिट है, वही सबसे स्ट्रांगेस्ट यूनिट है, उसी के इर्द गिर्द सारी पूरा RSS घूमता है। तो ऐसा कहा जाता है कि करीब वो 60,000 एज ऑन डेट है। RSS की स्थापना 1925 में हुई थी। तो जो टारगेट अब है, और उस पर कहीं कई सीनियर लोगों का बयान भी है कि चाहते यह हैं कि 2025 जब 100 साल पूरे हों तब तक इनकी 1,00,000 शाखाएं इस देश में होनी चाहिए। अब ये तो एक बात हो गई। मोटे तौर पे ये कहते हैं कि 5 to 6 million हमारे मेंबर्स हैं। तो 5 to 6 million का मतलब हो गया 50,00,000 से 60,00,000 के बीच में। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी कोई फॉर्मल ना मेंबरशिप फॉर्म है ना मेंबरशिप फीस है, तो ये चलता कैसे है? तो इनका एक दूसरे तरह का एक सिस्टम है। ये गुरु पूर्णिमा के दिन और एक दिन ध्वज को, मतलब जो सांकेतिक रूप से ध्वज देखते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन एक लिफाफे में बंद करके एक लिफाफा पकड़ा दिया जाता है। तो हालांकि आजकल तो अगर आप किसी शादी ब्याह में जाएं तो वहां पे भी एक टेबल लेके कोई बैठा रहता है, आप लिफाफा दें तो आपका नाम और उसमें लिख देते हैं और मतलब फलाना फलाना 501 51 5001 101 वो सब लिखा जाता है। लेकिन ये कहते हैं हमारे इस तरह की कोई लिस्ट ही नहीं है, क्या कौन पैसा दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो सब कुछ अनअकाउंटेड है, सब कुछ अनअकाउंटेड है। जैसे गिरोह में कभी कुछ माल कोई लेके आता तो क्या उसकी लिस्ट बनती होगी कि ये एक लिस्ट बने, एक एक्सेल शीट बने, उस एक्सेल शीट में डालिए कि ये आया, नहीं कोई लिस्ट ही नहीं है। क्या पैसा आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो दूसरी एक मैंने सिर्फ आपसे इसको कहा, इसको मैं शेयर कर लूं। तीसरा ये है कि ये तो मैंने जनरल बता दिया, अब इसका एक चीज जनरल समझ लीजिए। इसकी जो बेसिक यूनिट है उसमें 3 डिवीजन है मोटे तौर पे। मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं छोटे छोटे चीजें आपको बता रहा हूं। एक जैसे शाखा स्तर होती है और शाखा के बाद नगर और नगर के बाद जिला, वो इस तरह से चलते हैं। तो नगर स्थल पे एक नगर प्रचारक होगा, एक नगर कार्यवाह होगा और एक नगर संघ चालक होगा। ये 3 डिवीजन होते हैं।
फिर ये धीरे धीरे नगर जिला प्रांत ये करते करते फाइनली जो सबसे ऊपर की हायर की है, जो टॉप मोस्ट गवर्निंग बॉडी जिसको आप कह सकते हैं, उसमें एक सर सह कार्यवाह, सर सह कार्यवाह है, जो आप उसको सचिव कह लीजिए, जॉइंट सेक्रेटरी कह लीजिए, ये होते हैं तीन या चार होते हैं, और फिर एक जनरल सेक्रेटरी होता है जिसको बोलते हैं सर कार्यवाह। जनरल सेक्रेटरी में आपको समझने की दृष्टि से बता रहा हूं, वहां पे जो डिजिग्नेशन है वो सर कार्यवाह है, और इन सब के ऊपर जो मतलब इन सबका मुखिया, हेड ऑफ द होल इंस्टीट्यूशन इज सर संघ चालक। अभी तक 6 सर संघ चालक हुए हैं, उसमें से 5 ब्राह्मण और एक रज्जू भैया जो थे वो राजपूत थे, क्षत्रिय। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस व्यवस्था को इसीलिए खास करके जो दलित हैं, वंचित वर्ग से आते हैं, वो इसको ये कहते हैं कि ये व्यवस्था पूरी तरह से मनुवादी है, क्योंकि एक चीज ये है कि सर संचालक या सर कार्यवाह या कारवाह, ये कोई छोटी जात का आज तक नहीं बना है। ये दलित हुए या वंचित वर्ग हुए, ये एक स्तर तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं, वो भी फिक्स है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, महिलाओं के यहाँ का जो इनके यहाँ दर्जा है, वो जो जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो ये तो पुरुषों का हो गया, जो महिलाओं की विंग है उसको कहते हैं राष्ट्रीय सेविका समिति, वो स्वयं सेविका नहीं है, वो सेविका है। तो महिलाओं को ये मानते हैं कि सेविका का ही उनका रोल है, उनका स्वयं सेविका का रोल नहीं है, तो वो भी क्लियर, वो स्वयं सेविका नहीं लिखते हैं। एक इसलिए समझ लीजिए कि इस देश में जैसा जैसा ये कहते हैं हम लोग, नहीं जैसा बीजेपी कहती है कि हमने कोविंद जी को दलित को वंचित वर्ग से प्रेसिडेंट बनाया, हमने मुर्मू जी को शेड्यूल ट्राइब से प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन आरएसएस में कोई दलित या कोई ट्राइबल वो सर संचालक कभी नहीं बन सकता है, ये भी ध्यान देने वाली है। और एक चीज और समझिएगा, सर संचालक का मनोनयन होता है, इज नॉमिनेटेड, इज नॉट इलेक्टेड। तो वो अब आप समझ सकते हैं कि मतलब ठीक है, राजशाही जैसा कुछ मामला है। अब एक सबको ये समझ में नहीं आ रहा है, और मतलब जो ये मेरा भी गेस्ट वर्क है, कोई मेरे पास सूचना नहीं है लिखित की, ये लिखित सूचना, ये मोहन भागवत जी को क्यों मैदान में उतरना पड़ा? मतलब मोहन भागवत जी तो भाई इस तरह के हार्ड हिटिंग फैक्ट्स नहीं देते थे, वो पीछे से काम करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने अभी तक तो वो विचारधारा को चैलेंज करते थे, आरएसएस की विचारधारा से लड़ाई इत्यादि करते थे। अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने हरियाणा या पंजाब या दिल्ली या यूपी कहीं पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि ये जो काली टोपी और हाफ पैंट पहन के जो कौरव सेना घूम रही है, उनका इशारा साफ साफ आरएसएस की तरफ था, उससे शायद बिल्कुल अंदर दिल मिलाहट हो गई कि अब तो मतलब उतरना ही पड़ेगा, अब तो बात पानी सर से गुजर गया है, अब तो हम लोगों को मैदान में उतरना ही पड़ेगा। एक चीज और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, इस बयान पे आने से पहले, आरएसएस अभी तक 4 बार बैन हुआ है, एक बार अंग्रेजों द्वारा बैन किया गया था आजादी से पहले, और उसके आजादी के बाद 3 बार बैन हुआ है, जब गांधी की हत्या हुई 1948 में उस समय बैन हुआ, फिर इमरजेंसी के समय बैन हुआ, और फिर 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई उसके बाद बैन हुआ था। अब जो भागवत जी ने कहा है वो मोटे तौर पे मैं आपको इंटरव्यू के कुछ वो बता दे रहा हूं, क्योंकि वो इंटरव्यू छपा हुआ है, वो इंटरव्यू सब जगह है, तो उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, आपकी सिर्फ समझ के लिए मैं उसको उसके कुछ हाइलाइट्स आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं। उन्होंने तो कहा है कि इस्लाम को भारत में खतरा नहीं है, अच्छा लेकिन अभी तक तो ये कहते आ रहे थे कि हिंदू को भारत में खतरा है, अभी कह रहे हैं इस्लाम को भारत में खतरा नहीं है, मतलब कुछ अजीब सी बात, उल्टा पुल्टा। वर्चस्व का भाव छोड़ना होगा, उनका कहना है कि इस्लाम का जो एक वर्चस्व का जिसको का भाव छोड़ना होगा, लेकिन प्रैक्टिस में क्या है, हिंदू धर्म के वर्चस्व को मानना होगा, ये अनरिटन लाइन है। अब उन्होंने फिर कहा कि मुसलमानों को ये एटीट्यूड छोड़ना होगा कि हम बड़े हैं। आज किसी एवरेज मुसलमान से जाके बात कर लीजिए, वो अपने को बड़ा मान रहा है, वो जान बचा रहा है इस समय अपनी, हम राजा थे, हम फिर से राजा बनेंगे। अरे मुसलमान कह रहा है भैया जान बचेगी तब देखेंगे ना, अभी अभी मुसलमान की हालत जाके किसी मुसलमान से पूछ लीजिए, वो राजा बन रहे हैं, कैप चलिए, मतलब ये वही है कि पीटो भी और रोने भी मत दो। फिर उन्होंने कहा कि ये जो इनका मुसलमानों का एटीट्यूड है कि हम सही हैं बाकी सब गलत हैं, ये छोड़ना होगा। अरे ये तो आपका एटीट्यूड है, सुबह से शाम तक आप बताते हैं कि जो बीजेपी को वोट दे वो राष्ट्र प्रेमी और जो बीजेपी को वोट ना दे वो राजद्रोही,
ये तो आपका सुबह से शाम तक है। आप दूसरे के साथ मजाक करें, आप गंदे मजाक करें, आप किसी की मां को बोलें, आप कुछ किसी को बार बाला बोलें, आप जर्सी गाय बोलें, तब कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई बोल दे तो आप FIR करा के उसको जेल में डालने लगे, ठीक है। फिर हम अलग हैं, इनका कहना है कि मुसलमानों की कि हम अलग हैं, हम अलग रहेंगे, हम साथ नहीं रह सकते, ये सब आपको एटीट्यूड छोड़ना होगा। ये कौन करता है आज की तारीख में? ये जो आप हिंदुत्व हिंदुत्व जिनको घुट्टी पिलाते हैं, ये वो लोग कर रहे हैं भाई। अब फिर इन्होंने कहा कि जो हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए एक युद्ध हो रहा है। कहां युद्ध हो रहा है, कौन सा युद्ध आप कर रहे हैं? ये तो युद्ध आप कर रहे हैं ना, आप हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे रामचंद्र जी को आपने युद्ध का नायक बना दिया है, हमारे हनुमान जी को आपने एंग्री हनुमान बना दिया, आप कह रहे हैं युद्ध हो रहा है, उनका उनसे आपको सावधान रहना है। दूसरा वो कह रहे हैं कि अब हमें बाहर के दुश्मन, हमें भीतर के दुश्मनों से खतरा है। ये वही सब भाषा है जो आप UAPA ये सब लगाते समय कहते हैं, नहीं भीतर के दुश्मनों से खतरा है। और भीतर के दुश्मनों कौन है? जो विदेशी प्रभाव और विदेशी साजिश, मतलब कहां कहां की ये अब आप अगर ध्यान से ये सब सुनिए, इनके इनके जितने विचार हैं, तो जो BJP करती है उसमें बहुत सामंजस्य, उसमें आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आएगा कि वो भाषा कहां से आ रही है, उसका नायक कौन है, वो जिसको कहते हैं ना कि उस किस जगह से उसका उद्गम है, वो आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर वो ये भी धमकी है कि ये युद्ध है इसलिए ये लोग अति उत्साही हो सकते हैं, मतलब हिंदुओं का युद्ध चल रहा है 1000 साल से, तो हिंदू अति उत्साही हो सकते हैं। तो भाई जरा मतलब अति उत्साह में कुछ, अब वही है कि जितने जो दंगे फसाद हो रहे हैं उसको भी जरा भाई अब अति उत्साही लोग कर दिए तो आप जरा उसको झेल लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो हिंदू समाज तो 1000 वर्षों से युद्ध लड़ रहा। मैंने कहा ये आप पूरा स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लीजिएगा, आप खुद देख लीजिएगा, अपना इंटरप्रिटेशन आप खुद करिएगा। अब मैं इसलिए आपसे कुछ कर लूं कि मुझे जो एक चीज लगती है ना कि ये सारे हिंदुओं के ये स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता कैसे बन जाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि जो जैसा कहा जाता है कि इनके करीब 60 लाख स्वयंसेवक हैं, तो भाई ऐसा माना जाता है इस देश में कि एक व्यक्ति के पीछे जो परिवार होता है उसमें 5 लोग परिवार में होते हैं। मैं ये मान लेता हूं कि वो 60 लाख स्वयंसेवक में भाई कोई बेटा भी उसका स्वयंसेवक नहीं, पिता भी स्वयंसेवक नहीं, वो अकेला तनहा स्वयंसेवक है और उसका पूरा परिवार RSS की उसको मानता है। तो 60 लाख गुणा 5 × 5 3 करोड़, तो 3 करोड़ हिंदुओं को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हम आप ही की बात मान रहे हैं। हैं कितने हिंदू इस देश में? 110 करोड़। और ये बात मैं फिर से एक रिपीट कर दूं कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले आप, एक चीज जरा बताइए, क्या सब हिंदी बोलने वाले हिंदू हैं? और दूसरा, क्या सारे हिंदू हिंदी बोलते हैं? तो आपने ये ठेका 110 करोड़ हिंदुओं का कैसे ले लिया, ये भी थोड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि भागवत जी को इसलिए ये लेना पड़ा कि उन्होंने मामला बिल्कुल साफ करने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप देखें ना तो कुछ लोग अब ये कहने लगे थे जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और अच्छी चले, कि नहीं नहीं ऐसा ना कि भारत जोड़ो यात्रा इसलिए अच्छी चल रही है और अब वो मोदी जी के वजह से वो थोड़ा उधर से हाथ खींच रहे हैं, इधर से क्या क्या थ्योरी चल रही है, उन्होंने उसको स्पष्ट किया है कि ना कहीं से हाथ खींचा जा रहा है ना किसी की पीठ से हाथ हटाया जा रहा है, जैसे थे वैसे ही है, कोई गलतफहमी मत पालिएगा। क्योंकि ये हिंदू धर्म के जो बात कहते हैं ना कि हम हिंदू धर्म के सारी बात, आप ये बताइए राम जन्म मंदिर की जब पूजा हो रही थी, राम जन्मभूमि मंदिर वाली, तो हमारे भागवत साहब वहां किस हैसियत से बैठे थे? वो शंकराचार्य हैं, वो हमारे हमारे मतलब किस इन व्हाट कैपेसिटी, भाई शंकराचार्य आते बिल्कुल होना चाहिए था, शंकराचार्य जी को वहां होना चाहिए था, इसमें कोई नहीं वो बात नहीं है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हरदम ध्यान रखिएगा, जब भी भाजपा परेशानी में होती है तब तब RSS मैदान में उतर के उसके पूरी तरह से उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये जो RSS से जो एक विचार वाली बात है कि RSS को हिंदू धर्म का जो हमारे हमें जो मुझे मेरे अनुसार जो जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो ऊंच नीच का भेदभाव का जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग छुआछूत मानते हैं, जो हम लोग वो कानूनन संविधान में मना है ये सब, लेकिन ऊंच नीच की बात तो होती है ना, वो उसको दूर करने का काम आज तक RSS ने क्या किया ये जरा जानना जरूरी है। महिलाओं की स्थिति पर आपने क्या किया ये जानना जरूरी है। जब राम जन्मभूमि के मंदिर के ट्रस्ट पे जो एक सरकारी ट्रस्ट बना है उसमें
15 में एक भी महिला नहीं रखी जाती है तो आपने उसमें क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल साफ है कि आप आरक्षण के अगेंस्ट हैं, ये टाइम एंड अगेन आपने इस पे आपके बहुत से बयान है, और कहीं ना कहीं आपकी जो सारी बयानबाजी होती है वो अपर कास्ट के वर्चस्व की बात आप हरदम करते रहते हैं, आप उसी तरह से प्लान उसको करते हैं, तो आंसर तो इस पे भी देना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बात राहुल गांधी कह रहे हैं बार बार कि ये विचारधारा की लड़ाई है, ये लड़ाई जो है विचारधारा की है, और विचारधारा में भी वो हिंदू मैं बार बार कहता हूं, जो मेरा है, जिस हिंदू धर्म को मैं मानता हूं उस हिंदू धर्म इंक्लूसिव है, उसमें जैन भी है, उसमें सिख भी है, उसमें मुसलमान का भी एक कोई ना कोई पार्टिसिपेशन है किसी ना किसी रूप में, मेरा वो हिंदू धर्म है जो मैं प्रैक्टिस करता हूं। इनका हिंदू तो है कि उसको मारो, उसको करो, उसको ये ठीक करो, जैसे ये बता रहे हैं कि 1000 साल क्या क्या है इनका है। तो मामला तो विचारधारा की लड़ाई का है, और कुल ले देखे अब चूंकि चुनाव में कुछ खतरा नजर आने लगा है तो इसलिए मैदान में मोहन भागवत साहब को खुद उतरना पड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।